उत्तरकाशी में महिला एवं बाल विकास निदेशालय उत्तराखंड की ओर से आंगनबाड़ी वर्करों को ड्रेस के तौर पर दी जा रही साड़ी और सूट पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आंगनबाड़ी वर्करों का आरोप है कि उनको हल्की साड़ी और सूट थमाकर निदेशालय ने इतिश्री कर ली है, जबकि ठंड के मौसम में गर्म साड़ी और सूट की जरूरत है। इसको लेकर आंगनबाड़ी वर्करों ने विभाग में जाकर अधिकारियों से मुलाकात की और ड्रेस को लेकर सवाल खड़े किए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती संगठन के जिलाध्यक्ष विजय लक्ष्मी नोटियाल के नेतृत्व में कुछ आंगनबाड़ी वर्कर लदाड़ी विकास भवन स्थित महिला एवं बाल विकास विभाग पहुंचे। यहां बाल विकास अधिकारी यशोदा बिस से मुलाकात कर आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने निदेशालय की ओर से दी जा रही साड़ी और सूट पर सवाल उठाए। जिलाध्यक्ष विजय लक्ष्मी नोटियाल ने कहा कि आंगनबाड़ी वर्करों को दी जा रही साड़ी और सूट उनकी किसी काम की नहीं है, साड़ी और सूट की क्वालिटी सही नहीं है। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष की तरह आंगनबाड़ी वर्करों के खाते में पैसे डाल दिए जाने चाहिए, जिससे कि वह अपनी सुविधा अनुसार ड्रेस खरीद सके। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे लिए जो सरकार ने ड्रेस भेजी है बहुत ही बेकार है, ना तो वो सर्दियों लायक है और ना ही गर्मियों लायक है। अगर चलो साड़ी दे दी हो गर्मी लायक है, उसके साथ पेटीकोट नहीं चाहिए महिलाओं को, उसके साथ पूरी ड्रेस होनी चाहिए, पेटीकोट ब्लाउज और जो सूट है सूट का मोटा कपड़ा होना चाहिए ताकि वो सर्दियों में पहना जाए, नहीं तो हम इस सूट का बहिष्कार करेंगे अगर अच्छे ढंग से ये ड्रेस हमें नहीं मिली।